रॉबर्ट का नाम सुनकर पक्का आपके दिमाग में परेश रावल और अक्षय कुमार की OMG ओ माई गॉड आई होगी ना। मगर नहीं, ये फिल्म वो ओ माई गॉड नहीं है, बल्कि उससे काफ़ी पहले 2008 में आई बिना पाठक और सौरभ शुक्ला की ओ माई गॉड है, और इसमें भगवान का किरदार सौरभ शुक्ला ने निभाया था। 2008 में आई ये फिल्म एक एवरेज कॉमेडी फिल्म थी, जिसको कि सौरभ श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया था। विनय पाठक की कई सारी फिल्म्स हैं जो अपने आप में मास्टर पीसेस हैं, जैसे कि भेजा फ्राई, घोसला का घोसला, दसविदानियाँ, रब ने बना दी जोड़ी आदि। इसलिए अगर आप विनय पाठक या सौरभ शुक्ला को पसंद करते हैं तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिएगा। ये कहानी है राजेंद्र दुबे नाम के एक सेल्समैन की, जिसके सपने बड़े हैं। वो धीरू भाई अंबानी का फ़ैन है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, और हाँ, वो किसी भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना चाहता है। राजेंद्र अपनी कमाई से ज़्यादा खुश नहीं है, और इसी वजह से वो नौकरी के साथ साथ एक मनी मेकिंग स्कीम धन वृक्ष भी साथ में चलाता है। सुमन से उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक उसने फैमिली प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि उसको फैमिली प्लानिंग से पहले मतलब भर के पैसे कमाने हैं। ऑफिस में सभी उससे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हर किसी को पकड़ के ही अपनी स्कीम समझाने लगता है। आम लोगों की तो छोड़ो, भगवान यानी कि सौरभ शुक्ला भी राजन से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पकाने के मामले में भगवान को भी नहीं छोड़ता है। राजेंद्र अपने बॉस शेखर के भी पीछे पड़ा है कि वो उसकी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करें, और वो तैयार भी हो जाते हैं, मगर बॉस से मिलने से जस्ट पहले उनको दहेज के केस में पुलिस पकड़ कर ले जाती है, और फिर ऑफिस की लगाम एक दूसरे बॉस नागपाल के हाथ में आ जाती है, जो कि राजेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और उसको कई बार समय से ऑफिस आने और उसकी स्कीम को लेकर चेतावनी भी दे चुके हैं। इसी प्रकार एक दिन नागपाल सर उसको नौकरी से निकाल देते हैं, और फिर राजेंद्र अपना स्कीम का काम ही आगे बढ़ाने का फैसला लेता है। इस मुश्किल समय में खुद भगवान सौरभ शुक्ला तरह तरह से राजेंद्र को खूब सारे पैसे देकर उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं लेता है और एक नई मुसीबत में फंसता चला जाता है। इस मुसीबत में उसके साथ क्या क्या होता है और वो इन मुश्किलों से कैसे निकल पाता है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म एक बार देखनी होगी। ये फिल्म फिलहाल किसी OTT पर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसको YouTube पर देखा जा सकता है, मगर YouTube पर इसका जस्ट एवरेज प्रिंट ही उपलब्ध है।